जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कौन नहीं बोला? मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल एक कार्यक्रम में जय श्री राम का नारा लगाने की वजह से सुर्खियों में आ गए हैं। दरअसल मंगू भाई पटेल आगर मालवा जिले के दौरे पर थे। यहां वो लसुडिया गोपाल गांव में शासकीय स्कूल में आयोजित एक सरकारी कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में उन्हें प्रधानमंत्री आवास, हेल्थ कैंप और आंगनबाड़ी केंद्र से जुड़ी हुई योजनाओं का अवलोकन करना था। कार्यक्रम में जब राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने अपना संबोधन शुरू किया तो मंच से जय श्री राम का नारा लगवाया। बता दें कि उन्होंने ये नारा एक नहीं बल्कि कई बार मंच से दोहराया। वहीं इसको लेकर कांग्रेस ने विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि किसी सरकारी कार्यक्रम में जय श्री राम का नारा लगाना राज्यपाल को शोभा नहीं देता। शायद राज्यपाल को अपने पद की गरिमा याद नहीं, वो भाजपा के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। बता दें कि जय श्री राम का नारा लगाने से पहले राज्यपाल ने वंदे मातरम का भी नारा लगाया। वहीं वीडियो वायरल होने पर कुछ लोगों का कहना है कि राज्यपाल का इस तरह से धार्मिक नारे लगाना गलत है। फिलहाल राज्यपाल का वीडियो वायरल होने पर गवर्नर ऑफिस की तरफ से कोई बयान जारी नहीं किया गया है। बता दें कि राज्यपाल द्वारा नारा लगाने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। नारा लगाने के साथ जब लोगों की आवाज कम आई तो उन्होंने कहा कि कौन नहीं बोला, मुझे सब दिख रहा है। दरअसल राज्यपाल मंगू भाई पटेल गुरुवार को आगरा मालवा जिले के एक दिवसीय प्रवास पर थे। राज्यपाल ने यहां बाबा बैजनाथ के मंदिर में पूजा अर्चना भी की। राज्यपाल मंगू भाई पटेल इसके बाद ग्राम लसुडिया गोपाल में आंगनबाड़ी केंद्र भी पहुंचे और वहां बच्चों से मुलाकात भी की। वहीं राज्यपाल ने राज्य आजीविका मिशन द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया, साथ ही महिला स्वसहायता समूह के साथ चर्चा की, एनीमिया स्किल्स स्वास्थ्य शिविर को संबोधित भी किया। बता दें कि मंगू भाई पटेल भारतीय राजनीतिक हैं, जो वर्तमान में मध्य प्रदेश के 19वें और वर्तमान राज्यपाल हैं। वह गुजरात से भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे हैं। साल 2014 में गुजरात विधानसभा के कार्यकारी उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। इससे पहले वह गुजरात सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। पटेल नौसारी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से विधायक रहे हैं। उन्हें 6 जुलाई 2021 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा मध्य प्रदेश के 19वें राज्यपाल के तौर पर नियुक्त किए गए हैं। 77 साल के मंगू भाई ने 2014 में गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है। इससे पहले वन और पर्यावरण मंत्री भी रह चुके हैं। वह गुजरात सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में भी काम कर चुके हैं। अब वे मध्य प्रदेश के 19वें राज्यपाल के नियुक्त हुए हैं। वहीं गुजरात का नौसारी मंगू भाई पटेल का गढ़ माना जाता है। जब तक ये सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रही, मंगू भाई ने ही यहां से बीजेपी के टिकट पर लगातार जीत हासिल की। वह 1990 से 2007 तक लगातार 5 बार यहां से विधायक चुने गए। हालांकि वह गणदेवी में भी 1 बार विधायक रहे। वीडियो डेस्क अमर उजाला .com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।